नमस्कार, मैं सीआरजे यानी चंदीराम जांगीड और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश और दुनिया। आज अमावस का दिन है तो सोचा आज अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों से थोड़ी अपने समाज के बारे में बात कर ली जाए। आज से लगभग 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने समाज के बारे में भी, जो ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर ये आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा, तो आप जहां से भी चाहें देख सकते हैं, देखना चाहें तो। लेकिन आज का विषय है, इस पे आए हुए कुछ सवालों के बारे में है। तो इस पे अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लोगों ने देखा, कुछ ने है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे अलग अलग तरह के सवाल किए और उन्हीं सवालों को लेकर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो उसमें से कई लोगों ने पूछा कि क्या विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं? तो ये सवाल जब सामने आया तो मैंने इस बारे में थोड़ी पड़ताल करनी शुरू की। तो जब पड़ताल की तो ये बात सामने आई और ये बात बिल्कुल सही है कि विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं। लेकिन जो कि आपने थंबनेल में देखा कि जो हमारा समाज है वो इस वक्त ये तीन शब्दों के फेर में फंसा हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। मैं आपको आगे इस बारे में पूरा बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से इन तीन शब्दों के फेर में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात यह हो गई कि ब्राह्मण है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ये 7 स्क्रीनशॉट जो मैंने सर्च किए उस पर मेरे को मिले, ये मैं आपके सामने एक एक करके पेश कर रहा हूं, आप देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। अब जो सबसे पहला है वो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं 4 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं इसमें क्या लिखा है, और उससे साफ हो जाता है कि विश्वकर्मा ब्राह्मण है। और बाकी जो 7 स्क्रीनशॉट है उनमें भी आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अब जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से शिल्पज्ञ विश्वकर्मा ब्राह्मणों को रथकार वर्द की एतब कवि मोथाली मोथावी पांचाल रथपति स्वहस्त सौर और पराशर आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। और दूसरा जो एक है उसमें है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के 7वें संतान जिसका नाम वास्तु था, विश्वकर्मा जी वास्तु के पुत्र थे। अब ये दोनों बातें, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि विश्वकर्मा जो समाज है वो ब्राह्मण है। और आज भी आप देखते होंगे जो कोर्ट में भी ये चीज आई थी और उसने भी ये चीज कहा था कि हाँ ये ब्राह्मण है, शर्मा लगा सकते हैं। तो आपने देखा अलग अलग स्टेट में, यूपी में लगाते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, हर स्टेट में लगभग आपको ऐसे हमारे समाज के लोग मिल जाएंगे जो शर्मा लगाते हैं। कुछ लोगों को इस पे भी आपत्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि शर्मा नहीं लगाना चाहिए, विश्वकर्मा लगाना चाहिए। बस यही फेर का मामला है, यही बात मैं आज बताने वाला चाहता हूं कि क्यों इस चीज में पढ़े। सबसे पहला जो संज्ञा होती है, तो संज्ञा अगर आप लोग थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे तो उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा आदि के भाव और नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिससे हम उस वस्तु को जानते हैं, ये हो गई संज्ञा। तो यहां पे संज्ञा जो हमारी है वो है हमारी विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा है वो, अगर हम पूरा देखने जाएं आगे तो वो ब्रह्मा जी से जुड़ता है। अब ये बात भी हमारे धर्मग्रंथों में साथ है कि साफ है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और महेश हैं यानी शिव जी वो संहार करता है। तो इसमें भी ये बात पूरी तरह से फिट बैठती है कि ब्रह्मा जी से ही हमारी उत्पत्ति, जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मा जी है, और जो हमारा कुलदेव और सबसे बड़ा सृष्टि का इंजीनियर कह लीजिए, जो चाहे कला के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, सब कुछ जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा और उसके बाद में विश्वकर्मा जी के द्वारा पूरा रचित है। और उसी से ये ज्ञान जो आज हमारे पास है, जो कला हमारे पास है, वो उन्हीं से आई है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को छोड़ करके हम आज जो सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, सीधी सी परिभाषा है।
तो जो सर्वनाम हमारे आते हैं उसके हिसाब से जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से हमें बुलाया जाता है। कहीं पे जैसे राजस्थान में हमें जांगीड हैं, हरियाणा में जांगड़ा हो गया, पंजाब में तरखाण हो गया, यूपी में शर्मा है, मिश्रा है, इस तरह से बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहां पे सूत्रधर हैं, पांचाल हैं गुजरात में, और अलग अलग ये नाम से आप जाएंगे तो ये पूरी लंबी लिस्ट है, इस तरह से जाने जाते हैं। अब हमने क्या किया कि संज्ञा को भी किनारे कर दिया, वो तो ठीक है विश्वकर्मा है, सर्वनाम है उसमें हमने ये सोच लिया कि भाई ये इसका नाम है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है, ये चीज यहां पे आके हमने गलत कर दी। हम जब तक ये चीज नहीं समझेंगे, ये चीज नहीं सोचेंगे, विश्वकर्मा है मतलब विश्वकर्मा है, हमें ब्राह्मण है ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें इस फेर में भी पढ़ना ही क्यों है कि हम अगर विश्वकर्मा के वंशज हैं बस बात खत्म, उसमें ये ब्राह्मण है नहीं है, ये ऊंचा है नीचा है। वैसे तो हमारी जो समाज है उसने कभी किसी समाज को ऊंचा नीचा समझने वाली कोई बात आज तक की ही नहीं, हमने किसी समाज के साथ आज तक ना कभी भेदभाव किया ना कोई ऊंचा नीचा समझा, हमने सबका काम किया है, सबका बराबर काम किया है, किसी के लिए हमारे समाज में आज तक किसी के लिए ये नहीं है कि भाई हम इसका काम करेंगे इसका नहीं करेंगे, ये ऊंचा है तो करेंगे नीचा है तो नहीं करेंगे, और ऊंचा नीचा समझने वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। आज समाज उस दौर में खड़ा है जहां पे ऊंच नीच की कोई बात होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी वो उस दौर में किस तरह से रही वो अलग एक इश्यू है, उस पर मैं एक वीडियो मेरा अलग भी है आप देखना चाहें तो। लेकिन आज जो हमारा समाज खड़ा है, फिर जो आ गया विशेषण, तो हम आके वहां पे फंस गए। विशेषण जो किसी की विशेषताएं बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, सीधी सी ये भी बात है। किसी आदमी की व्यक्ति वस्तु की स्थान दिशा भाव की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। अब यहां पे जो काम अलग अलग बटे उसके हिसाब से उनकी विशेषताएं बन गई, लोहार अलग काम करने लग गए, कुछ जो लकड़ी वाले हैं वो अलग, सुनार हैं वो अलग, उनका काम अलग अलग हो गया, उससे विशेषताएं हो गई। अब उसमें धीरे धीरे हम बंटने शुरू हो गए, लेकिन आखिर में हम ये बात कब समझेंगे कि आखिर हैं तो हम एक ही समाज के, वही हमारा जो विश्वकर्मा है वही हम सब का आखिर जो कुल देवता है वो वही है। ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। तो ये जो तीन शब्द हैं हमें सर्वनाम और जो विशेषण है इनमें ना उलझ के हमें जो संज्ञा है, यानी संज्ञा का मतलब जो मूल जड़ है, हमें वहां पे जाना है और वहां से देखना कि हमारी मूल जड़ ये है तो हम सब एक ही व्यक्ति के वंशज हैं या एक ही देव के वंशज हैं और हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा। जब तक हम ये सोचेंगे ये छोटा है मैं बड़ा हूं, तब तक इस समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं। जब हम ये समझ लें कि ये भी जो है ये भी मेरा भाई है, मैं भी इसके बराबर हूं, ये भी मेरे बराबर है, तब ये समस्या खत्म होगी। आज जो समाज में आप देख रहे हैं कुछ लोग जो अपने है वो धनाढ़ लोग हैं, कुछ पूंजी वाले लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी पूंजी है, तो वो लोग अपने समाज से कटते जा रहे हैं और वो जो दूसरे अपने से ऊपर वाले हैं उनकी तरफ उनका झुकाव और जुड़ाव ज्यादा रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी सहयोग अपने समाज में करें, थोड़ा कुछ अपनी बात रखें, अपने समाज के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करें तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। और हमें ये जो आपस में जो द्वेष वाली और आपस में जो टांग खींचने वाली जो भावना है, इससे हमें इसको छोड़ना ही होगा और हमें एक दूसरे को बराबर समझना ही होगा, चाहे वो जो हमारे पांच जो हैं शिल्पी मनुमय त्वष्टा शिल्पी और देवज्ञ, ये जो पांच हैं इन पांचों को हमें ये समझना है कि हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
हमें इस चीज में उलझना ही नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं कि नहीं है, वो हैं, वो 100% सत्य है, लेकिन हमें इस चीज में उलझ के क्यों रहना है, बस हैं वो सही है, हम बराबर हैं, मेरा कहना यही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। तो आगे जो भी मेरे पास जानकारी कभी होगी तो मैं आगे और अपनी बात रखूंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और शेयर करके लोगों तक जरूर पहुंचाइए, अपने समाज के लोगों तक। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वकर्मा।